नई इलेक्शन कर रहे हैं, इलेक्शन के द्वारा नई कमेटी का गठन करना, ये हमारा लक्ष्य है। और इस लक्ष्य के लिए हमें जाना पड़ेगा, ये बॉडी तभी डिसॉल्व होगी। अच्छा आपने क्या है और किसने साइन किया? मंत्री? हाँ हाँ हाँ। और यानी वो क्या लेना है? चेक तो खुद तो उठा लीजिए आप, तो आप उसके बाद में जो और भी मिलना चाहिए ना। आपके नाम क्या है? तो आपने साइन किया पक्का? बहुत शुरुआती एक्चुअली बहुत आती थी, 75 करोड़ जो है वो शेयर मार्केट में लगा हुआ है, ये देख लो ना, 80-85 करोड़ रुपया टोटल कलेक्शन आता है और उसमें से 6 करोड़ 2 साल में टोटल खर्चा हो गया। अरे रॉयल्टी 3 करोड़ की समझ लीजिए मोटे तौर पर, और 3 करोड़ का इनका थोड़ा खर्चा समझ लीजिए ऐसा करके, तो 75। हाँ ये 43,30,48,649 इन द ईयर ऑफ 2011-12 एंड 44,57,27,256 ये ऑल टुगेदर द फिगर इज 12,13,146,00,000 यानी ये 3 करोड़ के आसपास इन्होंने बांटा 88 करोड़ के सामने। और इन्होंने खर्चा कितना बताया? इन्होंने खर्चा बताया, देखिए ये टोटल एक्सपेंसेस 2011-12 का 6,20,00,000 और 2012-13 में 6,32,00,000 12.5 करोड़ का खर्चा इस ऑफिस का। और वो पैसा क्या किया? देखिए अब ये बता रहे हैं कलाकारों का अधिकार किधर गया? नेट रॉयल्टीज पेएबल टू मेंबर्स, ये लोगों को देना है। ये 11-12 का है 37,10,00,000 और 12-13 का 38,27,00,000 यानी 75 करोड़ उनके पास अनपेड रॉयल्टी बचा हुआ है। और उसके साथ क्या किया इन्होंने देखिए, ये तमाम म्यूचुअल फंड्स और शेयर बाजार पिछले 12 साल से कहीं इलेक्शन ही नहीं हुआ ना, कुछ नहीं, तो इसीलिए बैठा बैठा है, इसीलिए हम कर रहा है इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं और इसको किसी भी कीमत पे एट एनी कॉस्ट इसको 5 साल में तो इलेक्शन करोगे। कुल मिला के मुद्दे की बात ये है, बहुत जरूरी है मेरे कि झूठा जब अड़ सकता है तो सच्चा क्यों नहीं नड़ सकता है। इन लोगों ने अब तक हमारे पैसे को दबा के रखे ये सोचकर कि हमारे बड़े मेंबर जावेद साहब और भी कुछ बड़े लोग जिन्होंने राज्यसभा पार्लियामेंट वगैरह में पास कराया और वो खामोश बैठ गए, ऐसा महसूस कर रही IPRS, वो सोच रही कि वो बड़े सो रहे हैं, जब वो जागेंगे तो मेंबर जागेगा। नहीं, मेंबर जाग उठा है, अब IPRS आज से नहीं सोएगी, ये मेन मुद्दा है। जो सोच रहे हैं कि बड़े मेंबर हमारे सो रहे हैं तो नहीं, अब लोकतंत्र में कोई बड़ा छोटा नहीं होता, लोकतंत्र में प्रेसिडेंट प्रणब चाहे वो जावेद जी हो, लोकतंत्र लोकतंत्र में मेंबर मेंबर होते हैं और हर मेंबर को एक वोट का अधिकार होता है ना, क्योंकि मतलब अ यूनिफॉर्म पॉलिसी हैज नेवर बीन फॉर्मुलेटेड, अब समझ रहे ना, कोई तरीका होगा, कोई मतलब कोई सिस्टम होगा, कोई पॉलिसी होगी तो होगा ना, तो आज तक किसी ने ये पॉलिसी के ऊपर अमल किया ही नहीं। मैं कंपोजर मेंबर हूँ और मैं रविंद्र खरे लिरिकिस्ट और म्यूजिक कंपोजर, मैं एडवोकेट भी हूँ और ये 3 दिन से फ्री सर्विस दे रहा हूँ। नहीं तो हम भी आते हैं। नहीं पूरा निचोड़ इस बात का, इस आंदोलन का ये है कि ये लोग IPRS जो अभी चला रहे हैं ये सब हारे हुए लोग हैं, स्टे पर बात खींच रहे हैं। जावेद साहब ने इसे लोकसभा से राज्यसभा से पास कराया, उसका भी ये लोग अनादर कर रहे हैं। अभी जो आंदोलन चल रहा है ये मास लेवल पे चल रहा है, जो हाई ट्रिब्यूनल के पास जाएगा कंपनी एक्ट के हिसाब से 1956 के हिसाब से। और इन लोगों को मैसेज ये जा रहा है कानूनन कि अब इनको ये कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, जिसका निचोड़ ये है कि ये सोच रहे हैं कि हमारी जबान बंद रहे। नहीं, खोल मत अपनी जबान, वो बेईमान खा जाएगा, खामियां तेरी गिनाकर खूबियां खा जाएगा, सर रहे ऊंचा उसी का
हर किसी के सामने वो जमी ऊंची बताकर आसमां खा जाएगा। हर तरफ रहजन खड़ा है, यानी लुटेरा हर तरफ रहजन खड़ा है राहबर के भेष में, हर तरफ रहजन खड़ा है राहबर के भेष में, होश में रखना कदम वो कारवां खा जाएगा। और बागबां को सौंप मत, आज बागबान बन के आई पैरिस बैठी हुई हमारी जो कर क्या रही है, बागबां को सौंप मत इखलास रखवाली, सभी पूरी रखवाली लेके जबरदस्ती बैठे हुए हैं, बागबां को सौंप मत इखलास रखवाली सभी, सोच ले सारे ही फल वो बागबां खा जाएगा और खा रहा है, और उसको उसी का कानूनी जवाब अभी दिया जाना है। इसीलिए ये आई पी आर एस के गलत कानून के खिलाफ ये आंदोलन चल रहा है, यही पूरा निचोड़ है। ये सारे लोग बता रहे पूरा नाम जाना चाहेंगे सर? इखलास सॉन्ग राइटर जी। ये कब से मुद्दा, कब से इससे जुड़े हुए हैं? कब से ये हम मेंबर तो बरसों से हैं, लेकिन 2 साल पहले जावेद साहब ने राज्यसभा लोकसभा से पास करा दिया, उसकी भी अवमानना हो रही है जो नेट से चैनल से सबको पता चला है। उसके बाद भी करोड़ों 88 करोड़ 90 करोड़ रॉयल्टी लेकर के ये लोग जो 3-3 करोड़ बांटते हैं, और यहाँ के बैठे हुए एक एक जिम्मेदार को 6-6 लाख 7-7 लाख पगार देते हैं और अंदर सब आपस में बांट लेते हैं, यही सब इनका चल रहा है। और जो पैसे भी 80 करोड़ या 90 करोड़ जमा रहते हैं उसको महीनों रोक करके बैंक का इंटरेस्ट लेकर के शेयर मार्केट में लगा करके उसी का 10 पैसे के बराबर हम लोग को बांटा जा रहा है। और इसके जो मेन इलेक्शन हुए थे 5-7 साल पहले JW मैरियट में, वहाँ ये सारे लोग हारे हुए हैं जो अभी बैठे हुए हैं IPRS में, ये सब हारे हुए हैं। और कहा था 4-5 दिन में चार्ज देंगे, और चार्ज नहीं दे करके स्टे ऑर्डर ले लेकर के हम लोग को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और जब इनको मेमोरेंडम वगैरह दिया तो जवाब बचकाना देते हैं मक्कारी से कि आप लोगों की फरियाद सुनी जाएगी, मुजरिम तो तुम हो, हम कंप्लेनेंट हैं, आप हमें क्या मौका देंगे सफाई देने का, सफाई आपको देनी है और कुर्सी छोड़कर जानी है क्योंकि बेईमानी से चल रहे हो। और जितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं अभी, ये सब हारे हुए हैं, सिर्फ स्टे का सहारा लिए हुए हैं, और उनको जवाब कानून से अभी भरपूर दिया जाना है हाई ट्राइब्यूनल से। और हमारे सरबराह जावेद साहब, जावेद अख्तर साहब और सारे मेंबर सपोर्ट में हैं, और ये बात अभी रिजल्ट बनकर सामने आने वाली है। IPRS से मैं काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, IPRS से मैं काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, और यहाँ पे जिस तरह से धांधलियाँ चल रही हैं, काफ़ी गरीब लोग हैं, एक राइटर काफ़ी गरीब होता है, ये सभी लोग जानते हैं। मैं सौरभ कुलश्रेष्ठ लिरिसिस्ट हूँ, सभी जानते हैं कि गरीब राइटर होता है, कुछ गाने आते हैं उनके, उसके कुछ पैसे मिलते हैं। यहाँ पे जितने भी सॉन्ग राइटर्स हैं, प्रोड्यूसर्स उसको कम पैसा देता है, सॉन्ग रिलीज़ होता है उसके बाद भी उसको कुछ खास फ़ायदा नहीं होता। फिर यहाँ पे धांधलियाँ, जिस तरह से IPRS जो उनको रॉयल्टी बांटता है, रॉयल्टी इतनी कम है कि ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर, ना वो खुद को चला सकता है ना अपने परिवार को उस पैसे से चला सकता है। अभी हम लोगों ने जो आंदोलन छेड़ा हुआ है इसके खिलाफ जावेद अख्तर के साथ, अशफाक कोपेकर के साथ, तब ये लोग थोड़ा सा जागृत हुए हैं और अभी कुछ चेक देना शुरू करा है, लेकिन ये चेक भी इतने कम है, इसका पैसा इतना कम है कि शायद ही कोई राइटर खुद को उसमें जीवित कर रख सके। तो बस इतना कहना है हमारा कि हमारे जितने भी लोग हैं वो सब इस मुहिम के साथ जुड़े हुए हैं, और अब इस IPRS के जो भी जो मेंबर हैं, जो ज़बरदस्ती अपनी चेयर पर बैठे हुए हैं इन चेयर पर, उनको यहाँ से निकालना है और फिर से इलेक्शन करना है। इलेक्शन के बाद एक अच्छी साफ सुथरे लोग आएंगे जो सभी राइटर्स के पक्ष में बोलेंगे और काम करेंगे। जी, मैं रविंद्र खरे म्यूजिक डायरेक्टर और लिरिकिस्ट हूँ, और मेरी खुद की कंपनी है म्यूजिक वन। और आपको जैसे पता है कि म्यूजिक इंडस्ट्रीज की क्या गत हो गई है, दिन पे दिन म्यूजिक कंपनियाँ बंद हो रही हैं, और जो आम कलाकार है, जो गीत लिखता है और संगीत बनाता है, उसको आज उतना नहीं मिल पाता है जितना का वो हकदार है। उसके ऊपर से जो बिचौलियापन जो चल रहा है, आज जैसे देखा जाए कि 88,000 का तकरीबन रॉयल्टी अगर यहाँ आती है, और उसमें से 10-12 करोड़ रुपया ही खर्च होता है, और बकाया मतलब अन्य किसी स्रोत में पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, और एक जो गरीब कलाकार है वो गरीब ही बना रहता है। ऐसी परिस्थितियों में हम सभी लोग मिलके IPRS के खिलाफ आंदोलन जारी कर रहे हैं, और इसके ऊपर हम कानूनी रूप से भी आगे बढ़ेंगे। कौन सी बड़ी हस्ती आपसे जुड़ी हुई
शेरवानी साहब जुड़े हुए हैं और कुमार साहब जुड़े हुए हैं, कोपरेकर साहब जुड़े हुए हैं, और भी काफ़ी लोग हैं, और कम से कम 60% मेंबर्स लोगों ने इसके ऊपर साइन भी किया हुआ है, जो हम लोगों का साइन का मुहिम चल रहा है। IPRS एक ऐसी संस्था है जिनको केंद्र सरकार ने तमाम दुनिया से लाइसेंस फीस कलेक्शन करने का अधिकार दिया गया, और ये लाइसेंस फीस जो तमाम देश और दुनिया से कलेक्शन किया जाता है वो इस संस्था के जितने संगीतकार और गीतकार मेंबर्स हैं उनको उनके काम के अनुपात से बंटन करने का अधिकार इनको दिया गया है। और यहाँ पे पिछले 10 साल से कुछ लोग गैर कानूनी तरीके से कुर्सी कैप्चर करके बैठे हुए हैं, और ना AGM होते हैं, ना कोई मीटिंग होती है, ना कोई यहाँ पे इलेक्शन हुआ है, और ना कोई हिसाब किताब का कोई ठिकाना। तो इसीलिए ये जो भ्रष्टाचार पिछले 10 साल से चल रहा है, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ अब एक मुहिम को आगे बढ़ाया जा रहा है, और इस मुहिम को अंजाम देना है हमें। एक कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में मास पिटीशन फाइल करना है, और इसी मकसद से हम तमाम मेंबरों से ये गुजारिश करते हैं और उनका साइन लेके ये पिटीशन फाइल करने के पूरी तैयारी में लगे हुए हैं, और हमें उम्मीद है बहुत जल्द ये भ्रष्टाचार ख़त्म होने वाला है। मेरा नाम है एडवोकेट सैयद अहमद, मैं एक कंपोज़र मेंबर भी हूँ। कितना लोग हो गए? 550 से ज़्यादा। पिछली बार इनका था वो जब ही वहाँ पे अपना JW मेरिट में मीटिंग हुई तो जी उसमें हम आए थे जी जी, समय बहुत साल पहले के फर्जी अकाउंट खोले गए। हाँ 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 हाँ। तो सब हमारे सामने की बात है। यस यस। तभी वो उसको AGM में हमने ज्वाइन किया है। यस यस। उसमें हमको पता है, इसके बाद में इन लोगों ने AGM लेना बंद कर दिया। उसके बाद सेकंड भी AGM हम आज तक जानते हैं और ना जी 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 नहीं हुआ है। नहीं हुआ ना? नहीं हुआ। तो पेन दीजिए, कोई भी ग्लास भाई पेन लाइए। पेन दीजिए। वो पेन को ले गया क्या? नहीं, मेरा पेन उसके पास। आप अपना नंबर मुझे दे दीजिए। हाँ, इनको फैम्पलेट दे दो। नाम लिखना है ऐसा? यह नाम लिखिए, क्योंकि आपको हम जब जब जैसा जैसा डेवलपमेंट होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप कंपोजर है, राइटर क्या है आप? मैं राइटर। अच्छा, तो यहाँ पे नंबर दे दीजिए आपका, कि जब जब जो भी डेवलपमेंट होगा आपको हम SMS करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। पूरा भ्रष्टाचार चल रहा है। 4 से आप पकड़िए ना, कितने पैसे का, कितने करोड़ों का। और वो ये यहाँ तक लेके आए, इसके बाद में फिर पहले तो कुछ भी मतलब नहीं हो रहा था जी जी, वहाँ पे तो कुछ पता ही नहीं चलता था। एक इनविटेशन देते थे हम लोग जी जी, आ जाते थे क्योंकि सब लोग मिल लेते थे। बात वहीं पर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ, फैम्पलेट दे दो। फैम्पलेट दे दीजिए, इसमें मेरा नाम है, नंबर है। ये पीछे देखिए मेरा, क्या होता है एक साथ जब सब लोग बैठते हैं तो कुछ बातें होती हैं जिसमें कि कभी भी कुछ ज़रूरत पड़े फोन करो। सर एक हमको भी दीजिए प्लीज़। अच्छा, वो पेन कितने? नहीं नहीं, इसमें आपका नंबर है? हाँ, इसमें है ना, उधर भी है। अरे, और सब लोग अपने से उधर भी ओके। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जो भी जब भी हमारी मीटिंग होगी आपको SMS आ जाएगा। जरूर जरूर। आप लाइए। आपका नाम सर?